ये ऐसे पैसे बचाते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। में आपका कुलदीप कौशिक। रात को पहुंच गए थे मनाली भाई, 12 घंटों में आपको मालूम पड़ ही गया है। और हम रात को यहाँ रुके हैं भाई। ये देख लो, ये एक रिसॉर्ट है यहाँ पे शिवालय रिट्रीट के नाम से। ये भाई पत्थर तोड़ रहा है यहाँ पे। तो ये सारी हट जो देख रहे हैं आप, वो भी सारा इसका है। वो सामने हमने डिनर किया था रात को वहाँ पे। और ये हमारी बैठी है मैडम, गुड मॉर्निंग जी। यही लाइए हमें। और ये सारी यहाँ पे हट्स बनी है भाई, देख लो हमारी वो है और हमें वो मिली हुई है सामने। आया मज़ा? ये पत्थर है, ये रिवर है, तो वहाँ पर भी होटल है, कोई बहुत बड़ा होटल है ये। वो पीक्स है और ये हमारी मैडम है। अगर आपका मन भी करता तो आप भी घूमना और ऐसे सुंदर सुंदर डेस्टिनेशन आपको दिखाएंगे। आ जाओ मैडम, आ रही है हमारी मैडम, थक जाती है आजकल। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. ओह, गाड़ी गंदी हो रही है भाई। अब आपको दिखाता हूँ जादू। ये देख लो कितनी गाड़ी गंदी है। अब हमने निकाला है जादू की छड़ी, अगले 5 मिनट में गाड़ी चमाचम हो जाएगी। कर दे, मिक्स कर दो। ग्रीन ग्रीन चिल्ली डालना, डाल दियो। सैंडविच हो गया भैया? सैंडविच, अरे पराठा खा लेना। पराठा पराठा पराठा, बच्चा बोलता रहता है। कितनी खूबसूरत वादियां भैया, ब्रेकफास्ट करने आ गए हैं। तो वो सामने खड़ी है अपनी गाड़ी, क्लीनिंग चल रही है वहाँ पे। और हमारी मैडम ऋषि से बात कर रही है फोटो वोटो खिंचवाने के लिए। मस्ती पूरी है और ये ट्रैवलिंग के व्लॉग आपको मिलते रहेंगे ऐसे ऐसे। अब हम जा रहे हैं सोलांग। सोलांग जाएंगे, सिसु हम कल चलेंगे। मतलब खाने वाने का प्रोग्राम भी बनाएंगे आज, खाना बनाएंगे, सिसु जाएंगे। और अगर आपको भी गुड़गांव से आना है, दिल्ली से आना, तो बहुत आसान है, 12 घंटे में आप पहुँच जाते हो। और ऑनलाइन, हमने तो ऑनलाइन ही बुक कर दिया था, देख लो कितनी अच्छी है। ये कोई वो नहीं है भाई, नंबर वंबर मैंशन मैं नहीं करूँगा, लेकिन ये ठीक है, रीज़नेबल है। और 1500 रुपये में, 1800-2000 रुपये में आपको रहने का मिल जाता है। फ्रेंड चलते हैं आगे, लंबे लंबे पहाड़ कवर करने हैं अभी। लेकिन अभी तक स्कॉर्पियो एन में फुल मज़ा आ रहा है भाई। आवाज़ देख लो कैसी इसके अंदर आ रही है। तो अभी हम जा रहे हैं आगे सोलांग की तरफ और आपको कवर करेंगे कि क्या क्या वहाँ पे सोलांग में इस वक्त हम कर सकते हैं। ऑफ रोड चल रहा है गाड़ी में फुल। रात में जब मैं आया था थोड़ा सा लगा भी कहाँ जा रहे हैं, पर मुझे उम्मीद थी तो रास्ता तो छोटा है। यहाँ ज़्यादा बड़ी गाड़ी लाना, टेम्पो ट्रेवलर से ला भी नहीं पाएगा, लेकिन लोग ले आते होंगे। और ये काफ़ी कैंप्स है, बगल में रिवर बह रही है इसके, थोड़ा ऑफ रोड सा ही है। दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, रात में दिक्कत है।
हमने भानु पुल पे स्टे किया हुआ है, ग्रीन टेक्स के बाद ही 1 किलोमीटर बाद आ जाता है भानु पुल। अब यहाँ से जो हम सोलांग जा रहे हैं, सोलांग यहाँ से सिर्फ 16 किलोमीटर है, 29 मिनट दिखा रहा है मुझे। अभी पूरा मनाली आएगा, मनाली का एक ब्रिज क्रॉस करेंगे और टुवर्ड्स लेह की तरफ जाना है मुझे, तो आई थिंक आ जाएगा। और सोलांग हम लास्ट टाइम भी गए थे, आपने देखा है, हमने आपको दिखाया था सोलांग जनवरी में भी दिखा दिया है, सितंबर में भी दिखाया था, और दिखाएंगे आपको मार्च में सोलांग की क्या कंडीशन रहती है। और आगे फिर कल लेके चलेंगे आपको अटल टनल होते हुए, वो भी दिखाएंगे हमारी गाड़ी जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी। तो परमिट अगर जरूरत पड़ेगा बता देंगे हम आपको, कि कोई रिपोर्ट तो नहीं चाहिए, कोई परमिट तो नहीं चाहिए भी, क्योंकि रोहतांग लिए भी परमिट चाहिए चाहिए। तो आप भी टनल अगर क्रॉस कर रहे हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि परमिट चाहिए कि नहीं चाहिए। और खास बात यह है, अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम सिसु में ही रुकने की कोशिश करेंगे कल, और अगर नहीं वहां रहा, ठंड ज्यादा रही, बर्फ ज्यादा रही, हमें अलाउ नहीं किया मान लो आगे जाना, तो हम क्या करेंगे, वापस इसी में आके ठहर लेंगे या कहीं और ठहरेंगे। आगे भी हमारा लंबा प्लान है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो चलते हैं फिलहाल सभी सीधे, हम जाएंगे सोलांग। जब भी मैं ये ऐसे स्नो के पहाड़ देखता हूँ, पीक देखता हूँ, तो मन करता है कि यार यहाँ पहुंच जाए किसी तरह से। तो आपका मन भी करता होगा, तो यहाँ से आना कोई मुश्किल नहीं है। एक बार आप मनाली पहुंच जाओ 12 घंटे की ड्राइव करने के बाद, फिर तो यहाँ पे कम से कम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 25 ऐसी डेस्टिनेशन है जो लाइफ में एक बार देखनी ही देखनी चाहिए। 25 ऐसी डेस्टिनेशन है, और यहाँ पे अगर आप 15 दिन भी रह लेंगे मनाली में, तो आपको लगेगा यार कि कम ही रहे हैं। पीसफुल है जगह ये, और काफी रहने के इंतजाम बहुत ज्यादा है यहाँ पे। कोई गियर चेंज नहीं करना पड़ता भैया, मैं सोचता था अभी अगर मेरे पास मैनुअल गाड़ी होती ना, तो मुझे सेकंड गियर से फर्स्ट गियर में लेना पड़ता, लेकिन ऑटोमेटिक गाड़ी में खुद ही इतनी पावर होती है कि वो खुद ही अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। और अभी मैं चढ़ाऊँगा ऊपर और दिखाऊँगा, और फिलहाल नज़ारे देखिए कितने सुंदर हो चुके हैं। मैं सोचता था, पता नहीं, मैंने एक बात नोट की है, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ अभी, गाड़ी में ना जैसे पहाड़ पर चढ़ रही है एक अलग, जबकि ये अभी मेरा सिर्फ जैप मोड में है, जूम भी नहीं किया हुआ, एक अलग सी पावर आई हुई है। स्टीयरिंग थोड़ा स्टिफ हो गया है, स्टीयरिंग इतना हल्का नहीं है, जान से जैसे मैं अभी देखिए मैं इस गाड़ी को कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, देखिए मेरी तरफ, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ये मैंने किया, ये देखिए चलिए, कोई गियर नहीं, कुछ नहीं, गाड़ी अपने आप ही, जैसे इसको मालूम पड़ गया पहले से ही कि भैया मुझे पावर ज़्यादा जनरेट करनी पड़ती है, और ये अपने आप चढ़ा रही है मुझे। ये अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। तो अगर आप भी स्कॉर्पियो एन ले रहे हैं तो आप ध्यान रखना कि कुछ प्रॉब्लम होती ही नहीं है, हो ही नहीं रही। मुझे लगा था कहीं यार ये ना हो कि मैं चढ़ा रहा हूँ और ये फर्स्ट से सेकंड गियर में आ जाए, जैसे आप देखिएगा मैं अभी किया, ये 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 देखिएगा, ये चढ़ाई 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 चढ़ाई, ये देखिए चढ़ गई, मतलब मुझे कोई फर्क ही नहीं महसूस हो रहा। थोड़ा साफ करो ऐसी चीज़, लग ही नहीं रहा कि ये गाड़ी का पूरा पहले स्टार्ट कर दिया गया कि कौशिक जी पहाड़ पर गाड़ी चढ़ा रहे हैं, चढ़ती जाए। खोद दिया हमने, ये आपको हमने ऑफ रोड किया था लास्ट टाइम, और ये ग्रीन कलर का जो ब्रिज है ना भाई, ये क्या हो रखा, अच्छा अच्छा कुछ रिपेयर चल रहे, रिपेयर वर्क वो हमने वहाँ किया था, आपको याद हो तो। बर्फ काफी थी यहाँ पे जनवरी के महीने में, पूरा यहाँ पे बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी, और हमने ऑफ रोड आपको करके दिखाया था यहाँ से, हमने यहाँ से ऑफ रोड करके दिखाई थी। ये भाई हम पहुंच गए हैं, वो ध्यान से रोप वे भी है ऊपर जाने के लिए, वो जोरा ऊपर, और ये हमने अपनी घोड़े को खड़ा कर दिया यहाँ पे। अब जब जनवरी में आया था तो बर्फ़ ही बर्फ़ थी यहाँ पे, और अब देखो बर्फ़ पिघल चुके, अब स्नोफॉल वैसे हुई भी कम है, और वो जो रिशान कर रहा है मैं ऊपर जाऊँगा, वो गोड़ से करेगा आज रिशान कराएंगे, अभी पैराग्लाइडिंग करना पड़ेगा भाई।
ये पार्किंग वार्किंग अच्छी है और ये रास्ता जाता है आगे टनल के लिए, सिसु के लिए, वो आगे कल चलेंगे। फिलहाल हम करते हैं यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करते हैं। देख सोलांग की एक खास बात है, ये हर मौसम में ना हर 3 महीने के बाद अलग हो जाता है। जैसे ये पैराग्लाइडिंग कर रही हूँ अपने यहाँ से, जैसे पानी भी आ रहा है भाई, जैसे अभी आए हो, ये मौसम है भैया, ये मौसम है मार्च का, तो अलग सीन है यहाँ पे। बारिशों के बाद आओगे तो पूरा का पूरा ये ग्रीन हो जाता है, और अगर आओगे जनवरी में तो यहाँ बर्फ ही बर्फ होती है। तो हर मौसम में हाँ स्पोर्ट्स भी काफ़ी कम है यहाँ पे। ईशान से मैं पूछता हूँ कि अगर भाई उसने करनी होगी पैराग्लाइडिंग करेगा है? इतना मैं चल के जाता हूँ ना, इतना मैं 10-10 स्टेप हो जाएंगे तो कर ले पैराग्लाइडिंग। ये जो इसकी लैंडिंग होती है भाई बड़ी खतरनाक होती है, ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर आप जाओगे ना? हाँ हम जाएंगे पैदल, उसके बाद वो लेके आएंगे पैराग्लाइडिंग कराते। ठीक है, तो आपको मैं GoPro दे रहा हूँ, आप प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर लेना। गाइड होगा, जो गाइड है वो कंट्रोल करेगा। लास्ट टाइम निशान मिस कर गया था भाई, आज अभी करके दिखाएगा आपको, ये प्रॉपर व्यू दिखाएगा, ऊपर से एरियल व्यू दिखाएगा। ठीक है मैडम, ये ऐसे रखना कि थोड़ा ऐसे, ये ऐसे ठीक है? चलो ठीक है, आपकी मर्जी। वो जो पैराग्लाइडिंग करता हुआ आ रहा है वो शायद ये निशान है। अभी ये आ रहा है ईशान, पहली बार पैराग्लाइडिंग कर रहा है ये, GoPro लेके गया हुआ है, बड़ा मज़ा आएगा। आ रहा है, आ रहा है। आप पूछेंगे कि 1000 रुपये भैया इसमें देने वैल्यू फॉर मनी है भी कि नहीं है? अच्छा भैया, आ रहा ईशान ही है। अरे भैया आधे में रोक दिया यार, आधे में रोक दिया यार, वहां ले आते बच्चे को। हाँ वजन कम है इसका। हाँ भाई कैसा रहा, मजा आया? तभी तो रुके थे ऊपर, कह रहा मजा आया। नहीं नहीं मैम इतना ही होता है, हम हर साल आते हैं भैया, हर साल आते, लेकिन लैंडिंग एरिया ही है। तुझे मजा आया है? डर नहीं है ना, वैल्यू फॉर मनी है। चलो भाई ईशान ने आज कर ही लिया, अब की बार खेला नहीं हुआ इसके साथ, लास्ट टाइम तो खेला हो गया था। अब हमारी मैडम बताएंगी पी के कि पानी पीने लायक है नहीं है, है ना? बिल्कुल बिल्कुल मीठा है ना भाई, यहाँ रहोगे ना आपका मिनरल वाटर खर्चा बच जाएगा। रियली काफ़ी अच्छा पानी है। हाँ और यहाँ ना भाई पेट ना, अगर आप पानी आ रहे हो पानी पी लो, यहाँ का आके यहीं का पानी पीना अपने, सुबह पेट क्या साफ होता है भाई, गजब है। मतलब ये है कि आपको कोई, जैसे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है ना जो कॉन्स्टिपेशन की, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, हमने अपने घरों में आरओ लगाए हुए होते हैं, तो उसकी वजह से मिनरल भी फिल्टर हो जाते हैं। हाँ ये इसके अंदर मिनरल होते हैं। देखा कितनी, मतलब मेरी वाइफ क्या ज्ञान की बातें करती है भाई, फिर अभी आपको पता चलेगा बहुत गजब है ये कुक भी। आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं या सब मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं नहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसको लगता है जैसे मैं मजाक उड़ा रहा हूँ इसके, पर मैं तारीफ करता हूँ इसकी। ये तारीफ करने का तरीका ही ऐसा है। अरे तुम तारीफ के काबिल ही हो। ये देखिए, ये टक्कर नहीं पड़ा हुआ, ये ऐसे पैसे बचाते हैं कौशिक जी। ये देखो ना 100 रुपये बचा लिए, 5 लीटर की बोतल है, ऐसे इस तरह से टूर करते हैं 100-100 रुपये बचा के। 1000 रुपये लो बच गए। अब वापस चल दिए हैं और अब चलेंगे, अब करेंगे अपने खाने पीने का जुगाड़। ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वापस जा रहे हैं हम मनाली तरफ जा रहे हैं, 9 किलोमीटर है यहाँ से। देखते हैं खाने पीने का जुगाड़ करते हैं, कोशिश करेंगे खुद ही सेल्फ कुक करें आज। सामान वामान घर से लाए हैं मैम, आपको पता ही है कि लगाते हैं टेबल और शेयर करते हैं,
कि क्या बनाएंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको भी खाने को दें आज, आप भी मजे लेना। गाड़ी खड़ी कर दिया भाई रिवर के पास से आए और अब यहाँ पे करेंगे हम और बनाएंगे बढ़िया सा खाना। देखते हैं मैडम क्या बनाएंगी आज। मैडम सेटअप तो कर लिया, बना क्या रहे हो? तो सोच रही हो कि कुछ बन। अब हमारा मटेरियल तैयार हो गया है।